तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप विंडोज या लैपटॉप पीसी में प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप भी अपने फेवरेट एंड्रॉयड ऐप को डायरेक्टली विंडोज पर रन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम दो मेथड यूज करेंगे, WSL बिल्ड और दूसरा है ब्लू स्टैक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाना है सर्च बार पे और यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोग्राम एंड फीचर पे, और फिर आपको लेफ्ट साइड में टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे फीचर आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे आप देख पाओगे वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, इस पर आपको चेकमार्क लगा देना है अगर आपका नहीं लगा है तो। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकमार्क देना है विंडोज़ हाइपर प्लेटफॉर्म पे। फिर आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आप देख पाओगे विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इसको भी आपको चेकमार्क कर देना है और ओके पे प्रेस करना है। थोड़ा सा अप्लाई प्रोसेस लेगा तो आपको वेट करना है, उसके बाद आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। फिर आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे टाइप करना है WSL बिल्ड, ऐसा टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करोगे तो आपके सामने गिटहब की वेबसाइट आएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इस वेबसाइट में नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख पाओगे विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 दोनों ही है। यहाँ पे विंडोज़ आर्म भी है तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। इवन आपको फिर से नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एसेट्स के नीचे कुछ जिप फाइल देखने को मिल जाएंगी, तो इसमें से आपको ऊपर वाली को डाउनलोड करना है। और जैसे ही आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाए तो आप यहीं से ओपन कर सकते हो या फिर फाइल में जाके भी ओपन कर सकते हो। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं इसे कट कर लूँगा क्योंकि मैं इसे डेस्कटॉप पे पेस्ट करूँगा। और फिर हमें इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है विनरार की मदद से, या फिर आप 7-Zip का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने WSL फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप करके इसको ओपन करूँगा, इसके अंदर एक और फोल्डर है इसको भी ओपन करूँगा। फिर आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है R, ठीक है। तो यहाँ पर आप R प्रेस करोगे तो आपके सामने रन देखने को मिलेगा, आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है और फिर आपको थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। तो इस प्रोसेस के बाद आपको कंटिन्यू के लिए बोलेगा, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड थोड़ी ही देर में आपके सामने प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो अब आपको ये साइनअप करने के लिए बोलेगा, जब तक आप इस पर साइनअप नहीं करोगे तब तक आप किसी भी ऐप और गेम को इन्जॉय नहीं कर सकते हो। साइनअप पर क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पर अपनी मेल आई डी डालनी होगी, जो भी आपकी मेल आई डी है उसको डाल के आई एग्री पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ पर आपको परमिशन बोलेगा तो आपको सिंपली अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो मैंने इसको इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन डेस्कटॉप पर कोई भी प्ले स्टोर का आइकन नहीं है, तो फिर से रीओपन करने के लिए विंडो बटन पे क्लिक करें, ऑल ऐप पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको रीओपन कर सकते हो। रीओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी, इस पर क्लिक करोगे तो जिस भी मेल से आप लॉगिन हो वो आपको दिखेगी। अब आपको सारे एंड्रॉयड ऐप और गेम देखने को मिल जाएंगे, किसी को भी इंजॉय कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पे बैटल ग्राउंड भी देखने को मिलेगा, इसको भी इंस्टॉल करके इसे खेल सकते हो। तो ये था पीसी में प्ले स्टोर का इंस्टॉलिंग प्रोसेस। तो इसको यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है दिस ऐप इज नॉट गुड फॉर यू तो आप ब्लू स्टैक को इंस्टॉल कर सकते हो। ब्लू स्टैक एक ऐप प्लेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर पर एंड्रॉयड ऐप और गेम चलाए जा सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो हियर यू कैन सी, यहाँ पर मैंने ब्लू स्टैक 10 को ओपन कर रखा है, इसका इंटरफेस देख सकते हो और इसमें भी जितने भी प्ले स्टोर के ऐप और गेम्स होते हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको भी आप इंस्टॉल करके इंजॉय कर सकते हो। और कोई भी ऐप अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सर्च बटन मिलेगा, इस पर आपको उस ऐप को फाइंड कर लेना है और उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको माई गेम्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल लोकल ऐप दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने लोकल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर सेलेक्ट करके उनको इंस्टॉल करके इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऐप प्लेयर दिखेगा, जैसे ही आप ऐप प्लेयर पे क्लिक करोगे तो अब हमारे सामने ब्लू स्टैक ऐप प्लेयर ओपन होगा। तो अब यहाँ पर इसका इंटरफेस आप देख सकते हो, यहाँ पर बैक बटन, होम बटन और मेनू बटन भी मिलेगा, सेम बटन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे।
तो इसमें इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारी सेटिंग्स है राइट साइड की, ठीक है, ये सारी सेटिंग्स आपकी ब्लू स्टिक ऐप की हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स हैं क्योंकि इसे बहुत बड़े बड़े गेमर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कैमरा सेटिंग, क्रोम और फाइल मैनेजर, प्ले स्टोर जैसी ऐप देखने को मिल जाएंगी। तो इस पे भी आपको सेम टू सेम फ़ोन का जैसे होता है हमारा फीचर, वैसे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सेटिंग्स, इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ये बिल्कुल एक फ़ोन की तरह वर्क करेगा क्योंकि ये एक एमुलेटर है। यहाँ पर आपको सर्च बटन दिखेगा, लाइक मैं इसमें फ्री फायर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फ्री फायर और सर्च कर लूँगा, तो ये जितने भी फ्री फायर से रिलेटेड ऐप होंगे वो फाइंड करके दे देगा। यहाँ पे आपको ओरिजिनल फ्री फायर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। मैंने अभी अपनी मेल आई डी इसमें नहीं डाली है, तो आप इस पे साइनअप पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ्री फायर इंस्टॉल हो चुका है और हमारे डेस्कटॉप पे भी आइकन शो कर रहा है फ्री फायर का। आप यहां से डायरेक्टली इसे प्ले करके एंजॉय कर सकते हो। और कोई भी ऐप यहां पर जो भी सर्च करना चाहते हो, बैटल ग्राउंड या फिर किसी भी टाइप का आप ऐप सर्च करोगे तो सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है, जो भी आपको प्ले स्टोर में ऐप देखने को मिलते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। तो दोस्तों, ये थे दो सिंपल मेथड जिनके थ्रू आप अपने विंडोज़ लैपटॉप या पीसी में प्ले स्टोर इंस्टॉल कर सकते हो। मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।